शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोषी को दंड देना एक राजा का कर्तव्य होता है और वचन निभाना राजवंशी का धर्म। और आज हम इन्हीं दोनों बातों को सोचते हुए और अपने वचन को निभाते हुए दोषी को मृत्यु दंड से आजाद करते हैं और उसे देश निकाले की सजा देते हैं, अर्थात दोषी को हमेशा हमेशा के लिए हमारे राज्य से चले जाना होगा। धन्यवाद राजा साहब। मेरा ख्याल रखना, नानी से मिलना, मेरी माँ की तस्वीर को यहाँ लेकर आना, मुझे उस जादूगर से बचाना। क्यों? हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम पत्नी हो हमारी। आज से तुम हमारी पत्नी नहीं, हमारी अच्छी मित्र भी हो, सबसे अच्छी। सारे साक्ष्यों को ध्यान में रखकर हम दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। दोषी को हमेशा हमेशा के लिए हमारे राज्य से चले जाना होगा। गले लगाकर अलविदा कहने का मौका भी नहीं दिया तेरा। मैं ये राजसीय गहने लौटाने आई हूँ अधिक राजा साहब।
मैं जानती हूँ मुझे अब आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं ये मंगलसूत्र अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब ये मेरी मृत्यु के बाद ही मुझसे अलग होगा। मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, भोजन समय से कर दीजिएगा, क्रोध थोड़ा कम। और एक बात, आप मुझसे प्रेम करे या ना करे, पर कभी मुझसे घृणा मत कीजिएगा। प्रणाम डाकुर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। सुनैना अधिराज के जीवन से दूर जा रही, अब हमारे लिए अधिराज को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमें आपकी इस विजय पे बहुत खुशी हो रही है माँ, बस अधिराज के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। बेचारा, पहले उसने उसे खोया जिसे वो अपनी माँ समझता था, और फिर अपनी पत्नी को, और अब अपना जीवन खोने जा रहा है। दूसरों के लिए दुखी होना बंद कर दीजिए, अपने आप के लिए खुश हो जाइए। आप इस महल के राजा बनने वाले हैं, और हम बनेंगे परम शक्तिशाली महानिशाकिनी। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, हम आज रात ही अधिराज को खत्म करके अपना सपना पूरा कर देंगे। बेचारी सुने, उसे अपने सुहाग को छोड़कर जाना पड़ रहा है, अब उसकी सुहाग को कौन बचाएगा? दीदी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ रहोगी। नहीं, मुझे राजा साहब के निर्णय का सम्मान करना होगा। उनकी पत्नी होने का दर्द और प्रजा होने का कर्तव्य निभाना होगा। ठीक है बेटा, तू अगर यहाँ नहीं रह सकती, हम तो तेरे साथ जा सकते हैं ना? नहीं नानी, सजा सिर्फ मुझे मिली है, तो उसे काटूंगी भी सिर्फ मैं। मेरे साथ साथ आप लोगों को कष्ट नहीं दूंगी। कारा, नानी का ख्याल रखना। लेकिन बेटे, अकेले तुम कहाँ जाओगे? जाओ अंबे माँ ले चले।
माँ के शव को कहाँ जलाया सूरज? पिंजरा खुलते ही जो नजारा देखने को मिलेगा वो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। शिकारी का शिकार होते हुए देखने में मजा तो आएगा। मेरे भाग्य में चाहे जितने भी कष्ट हो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे अधराज को कोई भी कष्ट मत दीजिएगा। वो निशाकिनी उन्हें मारना चाहती है और अधराज को इस बात की भनक तक नहीं है। अब तो मैं भी नहीं हूँ उनके साथ, अब आप ही उनकी रक्षा कीजिएगा माँ। मेरा पहला वचन, मैं अपनी अंतिम सांस तक अपने पति का साथ दूंगी। नानी साहब ने महारानी की हत्या की और उनके शव को जला दिया, फिर उनकी राख को तालाब में ले जाकर विसर्जित कर दिया। ये क्या पूरा दिन छमछम लगा रखा तुमने? इसकी आवाज से हमारे कान दुखते हैं। इससे? ये तो पायल है, इसके घुंघरू की आवाज कानों को सुकून देते हैं, इससे दर्द नहीं होता। स्वराज, ये आवाज कैसी है?
लगता जानवरों का कहीं झुंड आ रहा है। जानवरों का झुंड नहीं, साक्षात तुम्हारी मौत आ रही है अधिराज। सुनाई दे रही है, लगता है किसी जानवर ने किसी पर हमला किया है। हे अंबिमा, ये कैसी आवाज है? अधिराज, कैसी अजीब सी आवाज है? दृश्य है, मैं अभी जाकर मां को बुलाकर लाता हूं। जब वो भी अधिराज को मरते हुए अपनी आंखों से देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अधिराज की चीख है। अरे इतनी रात को वो जंगल में क्या कर रहा है? कहीं मुझे ढूंढते हुए जंगल में तो नहीं आ गए?
आदिराज, आदिराज अपनी आंखें खोलो, उठो। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करता है। अपना स्वार्थ तुम्हें स्वयं बचाना है, ये एक शैतानी अजगर है। इसकी विष की थैली से ही तुम्हारे पति की जान बचेगी। लगता है ये भयानक पशु भी उस मंत्र लेखा ने भेजा होगा। इस खूंखार जानवर से बचा सकती हो, मदद करो माँ। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। आदिराज, आदिराज अपनी आंखें खोलो, आदिराज उठो ना, आदिराज। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे सुनीता। तुम सम्मान हो हमारा, जिम्मेदारी हो हमारी। मैं जानता हूं हमने विवाह के साथ वचन नहीं लिए, पर सात जन्मों का बंधन तो है। मैंने आपको छोड़ा नहीं अधिराज, बस आपके आदेश का पालन किया। तुमने तो कहा था कि हमारे भेजे हुए पशु ने अधिराज को अधमरा कर दिया है, लेकिन यहाँ तो इस पशु का शव पड़ा है, अधिराज का नहीं। माँ, हमने अपनी आंखों से देखा था, इस पशु ने अधिराज की बहुत बुरी हालत की थी, उसमें बस थोड़ी सी ही जान बची थी। तो कहाँ है अधिराज, ढूंढो उसे। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं ये अधिराज कहाँ चला गया। अधिराज बुरी तरह घायल हुआ था, इसलिए ज्यादा दूर तक तो नहीं भाग पाया होगा।
अधिराज की पट्टी किसने की? कोई तो है यहां पर। ये देखिए मां, किसी ने इसकी घाव की पट्टी की है। किसने? पता नहीं मां, क्योंकि जब मैं आया तब यहां कोई नहीं था। हम जानते हैं वो सुनैना ही थी, यही कहीं आसपास ही होगी। जाकर ढूंढो उसे, आज इन दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। अधिराज की रक्षा करना। माँ, हमने हर जगह ढूंढा पर कोई नहीं मिला। लगता है जो भी यहां पर था उसे हमारे आने की भनक लग गई होगी और वो यहां से भाग गया होगा। वो भाग गया तो क्या हो गया? अधिराज तो यही है। और हम दोनों भी यही हैं। ये लो तलवार और मार दो अधिराज को। इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा स्वराज। लो, सोच क्या रहे हो स्वराज? तलवार उठाओ और मार दो अधिराज को। क्षमा करना मां, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम आपका हर एक आदेश मानने के लिए तैयार है, पर ये नहीं। लाओ तलवार। यही कहीं आसपास होना चाहिए, उधर जाके देखो। हमें एक औरत ने खबर दी कि यहां पर कोई घायल पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग मदद के लिए आए। ये भी उस सुनैना का ही काम होगा। लेकिन इन्हें हुआ क्या है? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, किसी खूंखार पशु ने इन पर हमला किया। अब जल्दी आइए और इन्हें महल लेकर चलिए। सब आपकी कृपा है माँ।
एक बार फिर हमारी योजना सफल हो गई और हम जानते हैं इसके पीछे भी उस सुनैना का ही हाथ है। हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जब आप अधिराज को मारने जा रही थी तो उसके शरीर से वो कैसी रोशनी निकल रही थी और फिर आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? बताइए ना माँ, वो सब क्या था? माँ हम जानना चाहते हैं, बताइए हमें आप कि आखिर आपकी शक्तियां कम क्यों हो गई? लगता है अब समय आ गया है आपको सब कुछ सच बताने का। चलिए हमारे साथ, आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए। यहाँ इतना उजाला कैसे है जबकि बाहर तो रोशनी की किरण तक नहीं आ रही है। इसकी शक्ति, ये कालस्त्र का आधा टुकड़ा है और जो अधिराज के शरीर में चमक रहा था वो कालस्त्र का दूसरा भाग है। हम जानते हैं तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए हम तुम्हें बताते हैं कि कालस्त्र है क्या। ये वो शक्तिशाली अस्त्र है जिसे पाने के लिए हमने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से हमने भूत, पिशाच, चुड़ैलों, डाकिनी, ब्रह्म राक्षस और न जाने कितनी काली शक्तियों की शक्ति को अपने वश में किया है और फिर प्राप्त हुआ हमें कालस्त्र। फिर तो इसमें अपार शक्तियां होंगी। हाँ, इसमें इतनी शक्ति है कि हम किसी भी शैतान या इंसान को मार सकते हैं, उसे पूर्ण जीवित भी कर सकते हैं। इसे पाकर हम अपार शक्तिशाली महानिशाग्नि बन सकते हैं, लेकिन इसे उपयोग करने से पहले ही काल विनाशक ने हम पर हमला कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। काल विनाशक? काली शक्तियों को विनाश करने वाला कहा जाता है उसे। उसने हमें पराजित कर दिया और हमारे कालस्त्र को दो टुकड़ों में बांट दिया। तो माँ, उसका टुकड़ा अधिराज के पास कैसे? क्योंकि अधिराज भी उसी काल विनाशक कुल से संबंध रखता है। यही कारण है
कि हम अधिराज को मारकर कालस्त्र का दूसरा टुकड़ा पा सके, ताकि दोनों टुकड़ों को फिर से जोड़कर हम महानिशाकनी बन सके। कल तक हमारे चंद्रमा का स्थान अनुकूल है, हमें अधिराज को कर ही मारना होगा। अगर कल तक हम अधिराज को नहीं मार पाए तो हमें वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन भय तो इस बात का है कि बार बार हमारी योजना सफल होती जा रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ, इस बार आपको सफलता जरूर मिलेगी, हम आपका साथ जरूर देंगे। बस एक बात याद रहे स्वराज, अधिराज को उसकी शक्तियों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना उसे मारना हमारे लिए और भी कठिन हो जाएगा। ये आखिरी अवसर है स्वराज, और समय बहुत कम। इस बार आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता माँ, समय भी नहीं। हे अंबे माँ, आज आपकी वजह से मुझे अपने अधिराज के साथ रहने का रास्ता मिल गया। अगर वो नर्तकी बीमार नहीं होती तो उसके स्थान पर मुझे महल में जाने का मौका ही नहीं मिलता। नर्तकी के रूप में ही सही, अब मैं उस महल में वापस जाऊंगी और अपने पति के साथ रहूंगी। और उस दुष्ट निशाकिनी को अधिराज की जान नहीं लेने दूंगी। अधिराज, वैद्य जी ने कहा है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लीजिए औषधि पी लीजिए, इससे आपकी सेहत में सुधार भी जल्दी आएगा। अब आप आराम कीजिए। तामसी द्रव्य और यही हमने अधिराज की औषधि में मिलाया है। इससे क्या होगा माँ? जो भी इसे पिएगा उसका दिमाग उसके वश में नहीं रहेगा, यानी ये द्रव्य उसे भ्रमित करेगा, बुरे कार्य करने के लिए उकसाएगा। आधा काम तो आपकी इस औषधि ने कर दिया और आधा काम मेरी योजना करेगी। हाँ बेटा, आज हमें अपना कार्य खत्म करना ही होगा। आज रात जिस शक्ति का प्रयोग हम करने वाले हैं उसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब अधिराज दिमागी तौर से कमजोर होगा। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा माँ।
कहाँ जा रहे हो? चोट लगी है ना, तो चुपचाप आराम से लेट नहीं सकते? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चली गई? आपने तो अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। अब क्या हुआ, ऐसे सर क्यों हिला रहे हो? देखिए, चाहे सर हिलाओ या पैर पटको, पर मैं आपको यहां से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। चुपचाप आराम करो। समझते क्या हो अपने आपको? पहले चकमे देती हो, फिर मरहम लगाती हो। मजाक समझ रखा तुमने? हमें इतना बड़ा धोखा दिया, उसके बाद हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा रही हो? जाओ यहां से। आपको क्रोध करने नहीं, आराम करने कहा है। लेती है, मैं आपका सर दबा देती हूं। मैंने सुना है जिसका क्रोध जितना उग्र होता है उसका प्रेम उतना ही गहरा, जैसे महादेव। तुम्हारे मुंह से प्रेम के शब्द अच्छे नहीं लगता है। घृणा करते हैं हम तुमसे। चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखना। जाओ यहाँ से। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ अधिराज। हमने कहा जाओ यहाँ से। मुझे महल से तो निकाल दोगे, पर अपने हृदय से कैसे निकालोगे अधिराज? हमें तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ, चली जाओ। हाँ मैं स्वराज। हम समझ सकते हैं कि सुनैना भाभी ने आपके साथ जो किया उसे भूल जाना संभव नहीं है, इसलिए आपका दर्द कम करने के लिए आपके लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की हैं। चलिए। नहीं सोरा, हमें कहीं नहीं जाना है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। हमें कहीं नहीं जाना। अच्छा लगेगा, आप एक बार चल के तो देखिए अपने इस भाई के खातिर। ये सब क्या है स्वराज? ये सब कार्यक्रम हमने आपके लिए रखा है भाई। सितारा भाई, कार्यक्रम शुरू किया जाए। कार्यक्रम शुरू करो। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई,
मेरा पहला वचन, मैं अपनी अंतिम सांस तक अपने पति का साथ दूंगी। मुझे कभी यहां से जाने के लिए मत कहना, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी पर आपसे दूर नहीं जाऊंगी। सुने ना राजा साहब, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें इनाम देकर कृतार्थ करें। सुनो, इनको इनका इनाम दे दो। सुने ना? हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अधिराज को देखती मैं कितनी कमजोर पड़ जाती, उनकी मुझसे अपना नाम सुनती जी करता है उन्हें गले से लगा लूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अधिराज के आसपास रहने के लिए हर हाल में अपनी असलियत छुपानी होगी। सुनो ना। वो हमारा भ्रम नहीं था, वो हमारी सुन नहीं थी। उसको पहचानने के लिए उसका स्पर्श ही काफी है। सुनो ना। हम जानते हैं कि तुम हमारी सुने ना। तुम्हें क्या लगा था नर्तकी का रूप धारण करके हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुम्हें पहचानने के लिए तो तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे सांस है, तुम्हारा आवाज ही काफी हमारे लिए। सुने ना, अपना चेहरा दिखाओ हमें। राजा साहेब,
आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं रानी सुनैना नहीं, मैं तो नर्तकी सुंदरी हूँ। फिर से धोखा मत दो मुझे सुनैना। हम जानते हैं तुम सुनैना हो, हमारी सुनैना। हमें अपना चेहरा दिखाओ सुन, घूंघट हटाओ सुनैना। अधिराज ये सही कह रही है, ये सुनैना नहीं बल्कि नर्तकी सुंदरी बाई है। नहीं स्वराज, ये हमारी सुनैना है। हम जानते हैं ये हमारी सुनैना है। तुम घूंघट हटाओ। सुंदरी बाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इसे तारा बाई कब से बुला रही हो? चलो जल्दी। सुनैना भाई, भाई भाई संभालिए खुद को। वो सुनैना भाभी नहीं, नर्तकी है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अधिराज। इस महल में रुकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। रुक जाओ। अगर तुम हमारी सुनैना नहीं हो, नर्तकी हो, तो आज से तुम महल से बाहर नहीं जाओगी। यही रहोगी इसी महल में और रोज हमारा मनोरंजन करोगी। राजा साहिब का निर्णय सर आंखों पर। और मदिरा पिलाओ मेरे स्वराज। और ये हमारी सुनैना ही थी स्वराज, हम उसका स्पर्श भूल नहीं सकते कभी। अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गई, वरना राजा साहब तो मान ही नहीं रहे थे कि मैं नर्तकी सुंदरी हूँ, सुनैना हूँ। दूर से ही सही, पर यहाँ जो कुछ हो रहा था हमने उस पर नजर रखी थी, इसलिए हम जानते थे कि सुंदरी बाई तुम ही हो। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हम तुम्हें बताना चाहते थे कि मंत्र लेखा आजाद अधिराज को मारने वाली है, क्योंकि आज महाचंद्रमा की रात है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर मंत्र लेखा की क्या शत्रुता है अधिराज से? वो उन्हें क्यों मारना चाहती है? चंद्रलेखा तो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। इसका उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है। पता तो मैं लगा कर रहूंगी कनक, कि आखिर मंत्रलेखा अधिराज को क्यों मारना चाहती है, पर कैसे, कौन बताएगा तुम्हें? रानी माँ, शायद रानी माँ को कुछ पता हो। पर दुख तो इस बात का है, उस चंद्रलेखा ने रानी माँ को कहाँ छिपा कर रखा है वो मुझे नहीं पता। हम जानते हैं कि वो कहाँ है, लेकिन लेकिन उस स्थान का रास्ता डाक भवन से होकर जाता है, और उस स्थान तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत खतरा उठाना पड़ेगा। मैं अपने पति के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हम उस मंत्रलेखा के सामने नहीं आ सकते, वरना वो हमारा विनाश कर देगी। समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से रानी माँ तक पहुँचना होगा। ये सिद्धि चक्र है, इससे हम सारी शक्तियों को अपने वश में करेंगे, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इन शक्तियों पर नियंत्रण नहीं पा सके तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा।
लेकिन अगर हमने इन शक्तियों पर नियंत्रण पा लिया तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। डाक भवन के दाहिने कोने से गुप्त रास्ता है जो सीधा उस तहखाने की तरफ जाता है जहाँ रानी माँ कैद है। अब यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। धन्यवाद कनक, पर तुम डाक भवन से होकर जाओगी कैसे? वहां तो मंत्र लिखा है। जाना तो होगा कनक, पर मंत्र लेखा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी और इस बार तो अधिराज भी नहीं आएगा तुम्हें ढूंढते हुए। जानती हूँ, पर फिर भी मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता है? कौन सा रास्ता? अगर हम किसी तरह से कोई झांसा देकर मंत्र लेखा और स्वराज को उस डाक भवन से बाहर ले आए तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए सही, पर अगर वो दोनों डाक भवन से बाहर आ गए तो तुम चुपचाप तहखाने की ओर चले जाना। नहीं कनक, तुम खुद को खतरे में मत डालो। अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। याद रखना कि हम तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने अधिराज के लिए कर रहे हैं। अब जल्दी जाओ, मंत्र लेखा की साधना समाप्त होने से पहले तुम्हें वापस भी आना है। बस ध्यान रहे स्वराज, साधना आरंभ होने के बाद इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो साधना भंग हो जाएगी। मंत्र लेखा, तुम्हें क्या लगा मैं कमजोर हूं, विवश हूं, जिसे तुम बड़ी आसानी से बंदी बनाकर चुप करवा दोगी? नहीं निशाकिनी, तुमने मेरी शक्तियां देखी ही कहां है। अब देखना मैं कैसे अधिराज को जाके तुम्हारी सारी सच्चाई बताती हूं। हमें तो लगा था एक बार के सबक से तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन हम तो गलत थे। लगता है तुम्हारा विनाश हमारे हाथों ही लिखा है, तभी तो तुम हमें चुनौती देने यहां तक आ गई। कनक, माँ रुकिए, मुझे जल्दी करना होगा, कनक ज्यादा समय तक मंत्र लेखा को नहीं रोक पाएगी। आज अधिराज से पहले हम तुम्हें खत्म करेंगे,
बस सुनैना को जल्दी से तहखाने का रास्ता मिल जाए, फिर कोई चिंता नहीं। माँ छोड़िए इसे और अपनी साधना पर ध्यान दीजिए। देखिए चांद निकल आया है।